बिलीव द हाइप, बिलीव द हाइप, किलर इज कमिंग, किलर 2.0 इज कमिंग, फ्लैगशिप किलर इज कमिंग, पहली फुर्सत में निकल चल मार। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है रेडमी K20 और रेडमी K20 Pro। प्राइसिंग आप और मैं सोचकर बैठे थे कि आपको देखने को मिल जाएगी लगभग 18-19 के आसपास K20 की, और आपको देखने को मिल जाएगी 24-25 के आसपास हद तक आप K20 Pro की। तो यहाँ पर बात करते हैं लॉन्च प्राइस की, तो 22,000 रुपये देखने को मिलती है स्टार्टिंग K20 की और 28,000 रुपये देखने को मिलती है स्टार्टिंग K20 Pro की, जो डेफिनेटली बेहतरीन प्राइसिंग नहीं है, इंडिया के सबसे बेहतरीन प्राइसिंग यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। और यहाँ पर K20 सीरीज की प्राइसिंग देखकर अब लग रहा है कि यहाँ पर आपका जो Realme X लॉन्च करा गया है 2 दिन पहले, जो पहले ओवर प्राइस लग रहा था, वही बेहतरीन देखने को मिलता है कम से कम, क्योंकि यहाँ पर 17,000 रुपये में देखने को मिलते हैं 128 GB की मेमोरी, पॉपअप कैमरा, इंडिस्प्लेमेंट सेंसर, एमोलेड पैनल वगैरह। खैर ऐसा नहीं है स्मार्टफोन्स बेकार देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली स्पेसिफिकेशंस बेहतरीन देखने को मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर। और यहाँ पर प्राइसिंग कहीं ना कहीं ज्यादा इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ पर का OnePlus का किलर बनाकर लाया गया है, पर यहाँ पर दिक्कत ये कर दी है कि अगर आप ज्यादा हाइप क्रिएट करोगे तो लोगों को तो यही लगेगा कि यहाँ पर प्राइसिंग बेहतरीन रहने वाली है, बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर और ज्यादा बेकार बात ये लगी है कि अल्फा सेल के नाम पर कई लोगों के पैसे फंस गए हैं, क्योंकि यही लगा इतनी सारी हाइप देखकर कि यहाँ पर बेहतरीन प्राइसिंग देखने को मिलेगी दोनों स्मार्टफोन्स की। खैर मेरे कहने से यहाँ पर कुछ नहीं होता है, आप अभी कमेंट कर जरूर बताना आप क्या सोच कर बैठे थे प्राइसिंग को लेकर, कितनी देखने को मिलेगी, आप खुश हो कि नहीं दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग से, अभी कमेंट कर जरूर बताना। खैर लगे तो आपको बता दूं, अगर आप खरीदना चाहते थे K20 सीरीज का स्मार्टफोन्स, यहाँ पर आपको प्राइसिंग बेहतरीन नहीं लगी है, तो आपके लिए होने वाला है Realme का फ्लैगशिप किलर, जो आपको बेहतरीन देखने को मिलने वाला है कन्फर्म, और आपको ऊपर लिंक देखने को मिल जाएगा अभी, डेडिकेटेड वीडियो जाकर देख सकते हो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। खैर यहाँ पर बात की जाए दूसरे स्मार्टफोन की, तो आपके लिए होने वाला है Poco F2, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए रिपोर्ट्स की, तो आपकी निकल कर आई हैं कि Poco ब्रांड अभी जिंदा देखने को मिलता है, यानी कंपनी ने Poco ब्रांड को डिसकंटिन्यू नहीं करा है। यानी यहाँ पर समरी की बात कर ली जाए, फोन तो बेहतरीन देखने को मिलते हैं लेकिन प्राइसिंग इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है कि यहाँ पर कहा जा सके कि आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। खैर जैसे कि मैंने कहा कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आप कमेंट्स में बताना आप प्राइसिंग से खुश हो कि नहीं और कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर आपसे दो रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप वगैरह पर, और इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। इसके लिए बाकी वीडियो पर जाकर देखो, लाइक करने दबा दो, मिलता स्टूडेंट, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। पहली फुर्सत में